हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जेट में। इस वीडियो में मैं इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया ICSIL जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में डिपार्टमेंट आता है उसमें अलग अलग प्रकार की 111 प्लस वैकेंसीज निकली थी, तो उन्हीं के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो वैकेंसीज जो थी वो स्टाफ नर्स, मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्नीशियन, अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज थी। तो अगर आप वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने पहले वीडियो बना रखी है उनके रिगार्डिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा या ऊपर आई बटन चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ पर वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं क्या कुछ न्यूज़ है उसके बारे में। उससे पहले देखिए, मैंने ये नोटिफिकेशन आपको पिछली वीडियो में दिखाया था जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में कुछ नहीं आया था। तो अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर इन पोस्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गया है, तो चलिए अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है ICSIL की। तो जब आप यहाँ पर करियर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा, मैंने क्लिक किया यहाँ पर और मैंने गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर ऊपर आ गया है यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सड बेसिस टू बी डिप्लॉयड इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड आल्सो फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आगे एक और पेज खुलेगा, तो इस पर आने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपके 27 मई से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट 28 मई रहेगी। ओनली एक दिन का 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। जब स्टार्ट होंगे तो मैं कम्युनिटी टैब में आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा और जो भी लास्ट डेट है वो और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और चैनल के टच में ज़रूर रहें ताकि कोई भी इसके रिगार्डिंग न्यूज़ रहेगी तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। कम्युनिटी टैब में जो चैनल का कम्युनिटी टैब रहता है उस पर मैं आपको इसके रिगार्डिंग और वीडियो और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करा दूँ। तो जब आप इतना कुछ करने के बाद देखिएगा यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में लिखा गया है। सुपरवाइज़र की वैकेंसी है दिल्ली जुडिशियल एकेडमी में, और नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन की वैकेंसी है RGSSH में, और फोटोग्राफर की वैकेंसी है DIP में, और मैनेजर की वैकेंसी है और DOE, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, साउथ वेस्ट ड्राइवर की वैकेंसी है, और ये वेबसाइट है। तो इन प्रकार की वैकेंसीज हैं। जब आप इन पर क्लिक करेंगे, आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिएगा, मैं जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आपके पास इस प्रकार का पेज खुलेगा और देखिएगा यहाँ पर ये आ गई वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स टेक्नीशियन RGSSH। तो इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड इस प्रकार आ जाएगा। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो एक बार फिर से मैं डाउनलोड कर देता हूँ। देखिए ये वो नोटिफिकेशन है। और अगर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैंने जिस प्रकार तरीका बताया है उस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जो नर्सिंग ऑफिसर टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसका जो ये नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड किया है। तो देखिएगा, स्टार्टिंग डेट 27 मई रहेगी और लास्ट डेट 28 मई रहेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया गया था, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया गया है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वीडियो को पॉज करके भी खुद से पढ़ सकते हैं। मेरे से ज़्यादा आप खुद से अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इससे बिलोंग नहीं करता, मेरा इससे नर्सिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं ये वैकेंसी आई थी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो टोटल पोस्ट हैं वो 50 हैं और 52,533 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर आती है टेक्नीशियन की वैकेंसी। तो देखिएगा, 10वीं पास होने चाहिए आप या फिर
टेन प्लस टू पास विद साइंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। टोटल 12 पोस्ट हैं और सैलरी जो है 34,164 आपको दी जाएगी। फिर वैकेंसी है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की, तो रेडियोग्राफर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, या फिर बीएससी रेडियोग्राफी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, और फिर बस इतनी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, और अदर वैकेंसी के लिए आप मैंने जो तरीका बताया उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है 1,000 रुपये, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी फाइनल ज्वाइनिंग उस टाइम आपके 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी, उससे पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। जो वैकेंसीज़ हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हैं, और अदर कोई भी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो में, धन्यवाद।